राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, हर छोटी बड़ी खबर से हम करेंगे आपको रूबरू, क्योंकि हम हैं आज की न्यूज़ किनवट। कल रात से किनवट में जोरों की बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। आज फिर महामार्ग के रोड का हाल देखने मिल गया। आज फिर एक बार पिछले 8 दिन पहले जोरों की बारिश की वजह से बेंदी टांडे के पास का जो टेम्परेरी बनाया हुआ पुल है वो पुल बहकर चला गया था, लेकिन फिर आज एक दिन की बारिश की वजह से बेंदी टांडे का जो टेम्परेरी पुल बनाया था फिर बहने लगा और लोग उस किनारे और इस किनारे हज़ारों लोग खड़े पानी का इंतज़ार कम होने का कर रहे थे, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। इसमें बूढ़े बच्चे और जवान सभी शामिल है और बहुत सारे लोग नांदेड़ के लिए बीमारी का इलाज करने के लिए जाना था, लेकिन जिसकी वजह से रुक गए। अब इस गुत्तेदार को चप्पलों के हार के सिवा स्वागत करना चाहिए, ऐसा किनवट की जनता कह रही है। बहुत सारी जनता ये भी कह रही है कि वो गुत्तेदार कभी दिखाई नहीं दिया किनवट में, और हम इस रोड पर हाईवे नंबर 161 ये हिमायत नगर ते कोटा लिया रोड पर जे ब्रिज किनवट काम चालू है। बहुत सारे लोग जे पीरियड होता है जमा मध्ये न केल्यामुळे इसकी वजह से ट्रॅफिक जाम होऊन बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना झाला, डायव्हर्शन होऊन गेलेले आहेत। आज तिथे 10 किलोमीटर मध्ये तीन ठिकाणी वजह से जाम लागलेला आहे, बस वगैरे थांबला आहे, लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ा। हाँ, संबंधित जो गुत्तेदार है 5 घंटे तक ट्रैफिक जाम थी, कृष्णानंद लोग परेशान होकर वहीं नियोजन असल्यामुळे हा सगळा धिंगाणा पाहायला मिळत आहे आपल्याला। ये समझ रहे थे जाम आहे, इस महामार्ग का काम अब नांदेड खत्म होने पर है, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। और इस रोड का काम 3 साल से लगातार चालू है, लेकिन कब ये महामार्ग का रोड का काम ख़त्म होगा ये ऊपर वाला जाने, गुत्तेदार जाने और दूसरे जो नेता लोग हैं वही जाने, क्योंकि इस महामार्ग के रोड पर नांदेड़ टू मुंबई और मुंबई से नागपुर ये रोड जाता है, जिसकी वजह से इस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है और इस पर आना जाना लोगों का लगातार बना रहता है। आज इस पुल की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ा। ना कोई नेता आवाज़ उठा रहा है इनके खिलाफ़, ना कोई मंत्री, इस तरफ सिर्फ ऊपर वाला ही इनको सबक सिखाए, ऐसा जनता की मांग है। और इस तरफ कोई आला नेता देखे, ऐसा जनता की मांग है। किनवट की जनता और आसपास की जनता कह रही थी कि हिंगोली के खासदार हेमंत पाटिल ये संसद में आवाज़ उठाकर इस रोड के महामार्ग का काम के बारे में जानकारी दे और जल्द से जल्द इस रोड का काम करें, ऐसा जनता की मांग है।